इमरान हाशमी की पहली फिल्म आई थी फुटपाथ, जो 2003 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मर्डर, जो 2004 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है तुमसा नहीं देखा, यह फिल्म 2004 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है जहर, जो 2005 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है आशिक बनाया आपने, जो 2005 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है चॉकलेट, यह फिल्म 2005 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है कलयुग, जो 2005 में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है जवानी दीवानी, यह फिल्म 2006 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है अक्सर, जो 2006 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गैंगस्टर, जो 2006 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है द किलर, 2006 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है दिल दिया है, जो 2006 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है द ट्रेन, 2007 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित रही। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है आवारापन, 2007 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गुड बाय बैड बॉय, यह फिल्म 2007 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है जन्नत, जो 2008 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है राज, द मिस्ट्री कंटिन्यू, यह फिल्म 2009 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों इनकी अगली फिल्म आती है तुम मिले, जो 2009 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो 2010 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है दिल तो बच्चा है जी, 2011 में रिलीज की गई, यह फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मर्डर 2, जो 2011 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है द डर्टी पिक्चर, 2011 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है जन्नत 2, 2012 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है संघाई, जो 2012 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है राज 3, 2012 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फाइनल करार दिया गया था। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है रस, 2012 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है एक थी डायन, जो 2013 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है घनचक्कर, 2013 में आई है। फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है राजा नटवर लाल, 2014 में आई है। फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है उंगली, 2014 में आई है। फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है MRX, 2015 में आई है। फिल्म फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है हमारी अधूरी कहानी, 2015 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है राज रोबोट, 2016 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है बादशाहों, 2017 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मुंबई सागा, 2021 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है छिछरे, 2021 में आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने इमरान हाशमी के सभी फिल्मों के बारे में